नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज है 24 सितंबर 2022। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इस समय आपका पौधा कितनी लंबाई का होना चाहिए ताकि आपके पौधे को ठंडी में कोई नुकसान ना हो। तो कम से कम कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। और अगर आपके खेत में ग्रोथ कम है तो उसमें क्या यूज किया जाए कि ग्रोथ जल्दी से बढ़े, इन दोनों चीज़ों पे बात मैं करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो एवरेज पौधा है वो किस साइज का होना चाहिए इस टाइम पे। दोस्तों, अगर हमारा एवरेज पौधा पूरे खेत में इस साइज का है, आप लोग देख लीजिए, इसकी हाइट लगभग 2 फीट के आसपास होगी। अगर आपका इस समय 2 फीट के आसपास पौधा है सारे खेत में, तब बहुत ही अच्छी बात है। तब आपको इसको बराबर रूप से न्यूट्रिएंट्स देते रहना है, ये अपने हिसाब से चलता रहेगा और अच्छी ग्रोथ आ पाएगी इसमें। आपका मैक्सिमम पौधा इस साइज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब भी दिक्कत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये 2.5 फीट का है तो 3 फीट का हो जाए तब भी चलता है, लेकिन 3 फीट से ज़्यादा बड़ा इस समय नहीं होना चाहिए। तो इस समय मीडियम बड़ा बता दिया। अब बताता हूँ आपको कि छोटा से छोटा पौधा आपका कितना बड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये पौधे का जो हमारा साइज है, इतना छोटा हमारा पौधा होना चाहिए, इससे ज़्यादा छोटा पौधा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला पौधा आप देख सकते हैं, ये पौधा छोटा है। तो इस साइज का पौधा अगर आपके खेत में है, सारे खेत में, तो आप मान के लिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब ये जाके तैयार होगा। लेकिन अगर आपका उस साइज का पौधा है तब वो तैयार हो जाएगा टाइम पे। और दोस्तों, एक चीज़, आपके पौधे मान लीजिए छोटे हैं, वो चल नहीं रहे हैं, तो कैसे आप पहचानेंगे कि पौधा हमारा चल गया है? दोस्तों, आप जैसे ये पौधा हमारा देख लीजिए, पहले चल नहीं रहा था ये, उसके बाद इसमें जब खूब ट्रीटमेंट इसका किया गया, पहले देखिए आप, ये लगभग सेम पौधे पत्ते निकाल रहा था। कुछ पौधे के पत्ते बड़े नहीं थे, लेकिन अब जो इसने पत्ता दिया है वो बड़ा पत्ता है। तो जैसे ही आपका पौधा लंबा पत्ता फेंकना शुरू करेगा, आप मान के चलिए आपका पौधा तेजी से स्पीड में चल गया और उसकी ग्रोथ होने लगी, वो तैयार हो जाएगा। लेकिन पौधा आपका जब तक सेम पत्ते दे रहा है, चल रहा है, सेम पत्ते दे रहा है, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका पौधा तेजी से ग्रोथ कर नहीं रहा है। उसका उदाहरण भी आप लोगों को आइए मैं दिखाता हूँ। तो आप ये पौधा हमारा देख सकते हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ है चलना, तब से लगभग बराबर के पत्ते दे रहा है, इसलिए इसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो दोस्तों, क्या करें कि ग्रोथ तेजी से हो, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। तो तेजी से ग्रोथ कराने के लिए पौधे को सबसे पहले पौधा हमारा स्वस्थ होना चाहिए। तो पौधा हमारा जड़ से स्वस्थ हो, ऊपर से पत्तियां स्वस्थ हों, इसके लिए हमें अच्छे फंगिसाइड यूज करना है। अगर आपने अपने खेत में अच्छे फंगिसाइड नहीं डाले हैं, तो आपसे मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर इसकी जड़ में कोई रोग लग रहा है तो आप उसमें थ्रियोफनेट और कॉपर डाल सकते हैं, या झिलोरा कापर डाल सकते हैं। इन दोनों की डोज भी मैंने आप लोगों को बताई है। थ्रियोफनेट मिथाइल जो हमारा होता है, उसको हम 30 ग्राम पर टंकी के हिसाब से लेते हैं, और कापर ऑक्सीक्लोराइड उसके साथ में मिक्स करते हैं, तो उसको भी हम 30 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, यानी कि थ्रियोफनेट मिथाइल और कापर ऑक्सीक्लोराइड अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो 30-30 ग्राम पर टंकी के हिसाब से। और अगर हम झिलोरा कापर ले रहे हैं तब बहुत अच्छी बात, क्योंकि झिलोरा में एक टेक्निकल और होता है। तो झिलोरा की मात्रा भी 30 ml पर टंकी, और कापर ऑक्साइड क्लोराइड उसके साथ जो होता है वो भी 30 ग्राम पर टंकी। तो इन दोनों में से आपके यहाँ जो अवेलेबल हो वो लेकर के आप दो टेक्निकल जो हमने बताए हैं उनको मिला के ड्रेंच करवाइए कायदे से। उसके बाद जब ये ड्रेंच हो जाए तब आप उसमें जड़ में कायदे से ह्यूमिक डलवाइए। ह्यूमिक भी आपकी 50-60 ml पर टंकी के हिसाब से होनी चाहिए, और पर पौधे लगभग 100-150 ml दवा जरूर पौधे पर पड़े। तो जड़ में इसको ड्रेंच करवाइए। उसके बाद आप अपने खेत में बराबर रूप से खाद देना शुरू करें, और हर 10-15 दिन पे अपने खेत में यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट, या यूरिया के साथ में जाइम या उसके साथ में जिंक, ये सब चीज़ें मिक्स करके आप बराबर रूप से अपने खेत में देते रहें। और हर 15-20 दिन पे आप मान के लिए अपने खेत में NPK जरूर दें। तो ये सब सिस्टम आप अपने खेत में बना के रखें, और साथ में कई सारी चीज़ें आती हैं मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा, वो सब डालते रहें समय समय पर,
तो आपका पौधा चलना शुरू होगा। और आप ड्रेंचिंग पे भी बहुत ध्यान दें, और हर 7 से 8 दिन पे आप जो वाटर सोल्यूबल हमारे प्रोडक्ट आते हैं, एनपीके आता है, बोरान आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं वाटर सोल्यूबल, तो इनको भी साथ में आप स्प्रे और ड्रेंचिंग में हर 7-8 दिन पे देते रहें। तो खाद भी नीचे से देते रहें, फंगिसाइड भी समय समय पर हर 10 दिन पे देते रहें, ड्रेंचिंग भी 8 दिन पे होती रहे। ये सब आप छोटे वाले पौधों में जरूर करते रहें, तब जाके आपके पौधे एकदम से चलना शुरू होंगे और तेजी से ग्रोथ पकड़ के जो बड़े वाले पौधे हैं उनके बराबर आ जाएंगे। यदि आपका पौधा पूरा छोटा है तो वो भी रेशियो में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इतना काम अपने खेत में जरूर करिए। मैं भी इस समय अपने खेत में कुछ काम करने वाला हूं, तो जब वो काम करूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन इस समय काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि पौधा हमारा छोटा है उसमें क्या करें, तो मैंने आज का वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को थोड़ा अंदाजा लगे जो नए किसान है कि इस समय पौधा किस साइज में होना चाहिए, उसमें क्या क्या डालना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि क्या हमें कैसे यूज करना है। तो आगे जो भी जैसा होता है सब आप लोगों को बताया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों तक सारे वीडियो पहुंचते रहें। तो आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।